देखो हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इफेक्ट्स अभी हमने स्टार्ट नहीं करे हैं, अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किया था, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट आपके पास में फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक करंट आपके पास में क्या है? यस, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कि जब हमारे पास में जो चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो जब भी हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो रहे होते हैं, उस चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को हम कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास में। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे पास, हमेशा नहीं है आपके पास में सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कुछ स्टोरिंग डिवाइसेस है जिनसे हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने किया था इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी के बारे में, राइट, यस और नो? तो हमने इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी के बारे में हमने कर लिया था कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं, जिनमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, और इस केमिकल एनर्जी को हम फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। हमने किया था। अब हमें जो है वो इसी को आगे करना है हमारे पास में कि किस तरीके से होती है और उसका क्या इफेक्ट होता है। साथ ही आपने और भी अप्लायंसेस देखे थे कि आपके पास स्विच होता है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है, जो करंट सप्लाई को रोकता भी है और करंट सप्लाई को आगे कंटिन्यू करने में भी मदद करता है। बल्ब आपके पास में एक हीटिंग डिवाइस है, या एक डिवाइस है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से ग्लो किया जाता है, राइट, जिसको इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम ग्लो करते हैं। इसी बेसिस पे हमने डिवाइसेस को क्लासिफाई किया था कि हमारे पास में दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास में जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, दूसरा होता है आपके पास में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है। जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है उन्हें कहते हैं हम क्या? कंडक्टर्स। और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, इंसुलेटर्स। उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर्स, राइट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताइए, क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, ये तो बता दो। नहीं है? चलिए अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम पे। वैसे मैंने आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए एक चीज पहले ही बता दी हमारे पास में कि हम किस तरीके से बैटरी को जो है वो कनेक्ट करते हैं। ये चीज तो आपको बता दी है। कैसे कनेक्ट करते हैं? इसको क्या हुआ भाई, एक सेकेंड रुको, यहीं पे करते हैं। सो आज हमें करना है सर्किट डायग्राम। मैंने आपको बताया था सेल्स किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? वायर से कनेक्ट करते हैं। पर कनेक्ट करते वक्त कुछ और भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या? वेरी गुड। टर्मिनल्स का ध्यान रखना पड़ता है आपके पास में। दो सेल्स हमेशा कैसे कनेक्ट होते हैं आपके पास में? पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। भाई आपके पास में दो सेल है, इसका मान लो पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ पे है। तो एक वायर से अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगी तो पॉजिटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे हमेशा। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यही चीज हम एक सर्किट में यूज करेंगे। देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है आपके पास में, या सर्किट क्या है आपके पास में? सर्किट क्या है? इट इज अ क्लोज्ड पाथ। इट इज अ क्लोज्ड पाथ फ्रॉम विच करंट कैन पास। ये क्या है आपके पास में? ये आपके पास में क्लोज्ड पाथ है हमारे पास में, जिसमें से आपका करंट जो है वो पास करता है। उसे कहते हैं हम सर्किट। क्या कहते हैं हम? सर्किट। तो इसका मतलब सर्किट में ओपन भी होता हुआ होगा, तभी तो इसने बोला क्लोज पाथ। तो यस, दो तरह के सर्किट डायग्राम्स होते हैं आपके पास में। एक होता है आपके पास में ओपन सर्किट, और एक होता है आपके पास में क्लोज्ड सर्किट। एक क्या है आपके पास? ओपन सर्किट। और दूसरा क्या है आपके पास में? क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है आपके पास में? इसमें स्विच ओपन होता है, स्विच इज लेफ्ट ओपन।
इसमें क्या आपके पास में स्विच, आपके पास में जो है वो ओपन होता है, स्विच ओपन है, इस कारण से करंट कैन नॉट पास, करंट कैन नॉट पास, करंट पास नहीं करेगा। स्विच ओपन है हमारा, तो इसका मतलब करंट पास नहीं करेगा, बल्ब या जो भी आपने डिवाइस उसमें कनेक्ट कर रखा है वो आपका ग्लो नहीं करेगा। पर अगर आपका क्लोज सर्किट है, मतलब स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, या आप बोल सकते हैं स्विच ऑफ है हमारे पास में, सॉरी यहाँ ऑफ यहाँ ऑन। एक सेकेंड, मैं इसको हटा ही दूँ, काटापिटी नहीं करते। दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ, ठीक है। स्विच आपका जो है वो क्लोज है हमारे पास, मतलब स्विच आपका ऑन है, तो ऐसे में क्या होगा, करंट पास करता है, करंट क्या करेगा, पास करेगा। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ये चीज आपने लास्ट ईयर पढ़ ली थी हमारे पास में। अब ये चीज कैसे होती है, तो क्या बन जाएगा, बैटरी, बड़े वाला डंडा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव है, इसको कनेक्ट करते हैं, और साथ में हमने यहाँ पे ले लिया है एक बल्ब, ये आपका एक बल्ब, आपस में करंट होता है पॉजिटिव से नहीं, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, आई करंट, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये आपके पास में। अब ये मैंने स्विच को छोड़ दिया इस तरीके से, तो ये कैसा ओपन, ये क्या है ऑफ स्विच है, ये क्या है ऑफ स्विच है आपके पास में, मतलब सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन। सेम चीज अगर मैं बनाती हूं, क्या गिरा रहे हैं, इस तरह का मैंने सर्किट बनाया और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यही क्या है, ऑन स्विच है, क्या है आपके पास में, ऑन स्विच है। सर्किट क्या है आपके पास, क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, भाई सर्किट हमारा इस केस में क्लोज्ड है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन से केस में आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, इन विच केस योर बल्ब विल ग्लो, क्या नीचे वाला ऊपर वाला, यस नीचे वाले में आपका बल्ब जो है वो यहाँ पे ग्लो करने लग जाएगा, समझ में आई बात, नीचे वाले केस में आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ऊपर वाले केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, याद रहेगी बात, पक्का, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके अब एक और नई चीज आती है, हीटिंग इफेक्ट पे जाएं या करंट के इफेक्ट जाएं, इससे पहले आपके पास एक और चीज आती है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है आपके पास में, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जब मैंने आपको सेल बताया था, तब मैंने आपको क्या बताया कि जो सेल है हमारे पास में उसमें करंट जो है वो कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, मतलब पॉजिटिव का पोटेंशियल होता है हाई और नेगेटिव का होता है लो, क्योंकि हमेशा हाई से चीज लो की तरफ जाती है, कभी लो से हाई की तरफ जाएगी, कभी लो से हाई की तरफ जा सकती है। आपने देखो एक एक काम करो, आपने एक बड़ा सा टैंक लिया, उसमें पानी है, ड्राम है या उसमें पानी है, और नीचे एक बकेट रखी है, उसमें थोड़ा सा पानी है, और आपने एक पाइप डाल के रख, हायर लेवल है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ जाता है, क्या कभी नीचे से ऊपर की तरफ आता है, नहीं आता है ना आपके पास में, तो कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सेम चीज है हमारे पास में कि आपके पास में जब भी करंट सप्लाई होता है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, कहाँ से कहाँ होता है, यस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमें करंट सप्लाई देखने को मिलता है। और ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमारे पास, कहीं पे ज्यादा और कहीं कम, इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहते हैं, यस द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ
एट टर्मिनल्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. ऑफ द डिवाइस, कि ये हमारे इस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की. इसकी बात करेंगे भाई हम इफेक्ट्स की, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि आपके इलेक्ट्रिक करंट के अफेक्ट आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसके क्या असर आपको देखने को मिलते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट केमिकल एनर्जी है, यस और नो? इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास में? एक केमिकल एनर्जी है. तो इसके दो इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा होता है आपके पास में केमिकल इफेक्ट. पहले हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट की, कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो इसके लिए मैं क्या ले रही हूं, मैं ले रही हूं आपके लिए एक बैटरी, ठक 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 बैटरी, यहां ले आ दिया मैंने ऑन स्विच, यहां लिया मैंने एक कंडक्टर, और यहां लिया मैंने दूसरा कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर ए एल्यूमिनियम का है और कंडक्टर बी निक्रोम का है. कंडक्टर ए एल्यूमिनियम का लिया मैंने और कंडक्टर बी निक्रोम का लिया है भाई आपका. ये है ए वाला और ये है आपका बी वाला. निक्रोम क्या है आपके पास में? मैं आपको बता दूं निक्रोम क्या है. निक्रोम एक वायर होता है हमारे पास में जिसका यूज करते हैं हम, जो आपके पास में जैसे रूम हीटर्स होते हैं, देखिए उसमें यूज किया जाता है. अब देखो अगर मैं करंट सप्लाई करती हूँ तो इनमें से कोई बल्ब है नहीं, पर फिर भी एक चीज ग्लो करेगी. क्या ग्लो करेगी? क्या एल्यूमिनियम रॉड चमकेगा थोड़ी देर में? क्या निक्रोम वायर चमकेगा? यस, ये क्या करने लग जाएगा? ये ग्लो करने लग जाता है. एक सेकेंड, तो आपका निक्रोम वायर क्या करता है? निक्रोम वायर जो है वो हमारे पास में ग्लो करने लग जाता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये कंडक्टर नहीं है? कंडक्टर तो है, उसमें से करंट पास हो रहा है आपके पास में, तो ये कंडक्टर तो है हमारे पास में, पर कैसा है? ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है. कैसा है? ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है. इस कारण से सारे इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर रहे, कुछ वहीं रह जा रहे हैं, और जब वो रह जा रहे हैं तो वो ग्लो कर रहे हैं आपके पास में. तो द वायर विच आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर, विच आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स, गेट्स हॉट, भाई गर्म हो जाते हैं, gets hot when an electric current passes through it, and this is the heating effect of electric current. ye kya hai aapka? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. समझ में आई बात? दिस इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास में. और मुझे बताओगे एक दो डिवाइस जिसमें आपको ये देखने को मिलता है? यस, इलेक्ट्रिक हीटर्स और नॉट एग्जैक्टली, और इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़े प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन और
रूम हीटर्स, ब्लोअर्स, इन सब में ये चीज आपको देखने को मिलती है, मतलब किस किस में, जो कि जब आप उसमें से करंट पास करो तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाए और वो ग्लो करने लग जाए, उनमें हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये चीज देखने को मिलती है? यस, तो ये चीज आपको इलेक्ट्रिक बल्ब में भी देखने को मिलती है कि जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है हमारे पास में, हाई टेम्परेचर, वो हमारे पास में ग्लो करने लग जाता है, वो हमारे पास में चमकने लग जाता है। आई बात समझ में? पर बल्ब में क्या प्रोड्यूस करता है? ये लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, वो ग्लो करता है, तभी तो लाइट प्रोड्यूस होती है आपके पास में। यस और नो? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है, पर उसमें क्या होता है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स सो हॉट दैट इट ग्लोस एंड प्रोड्यूसेस लाइट। And this is known as, this is the lightning effect. ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर सवाल आता है क्या इलेक्ट्रिसिटी से लाइट प्रोड्यूस होती है, डज इलेक्ट्रिसिटी शोज लाइटनिंग इफेक्ट, यस इलेक्ट्रिसिटी शोज लाइटनिंग इफेक्ट। और वो कहाँ होता है? बल्ब में होता है, जब हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता है। समझ में आ रही है बात? पक्का समझ में आई? अब आता है इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम फ्यूज में। सबसे बेसिक जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके पास में फ्यूज में। जैसे मैंने अभी अभी ट्यूबलाइट का फ्यूज चेंज किया था, क्यों? इसी के कारण। अब देखो फ्यूज में होता क्या है, अगर आपने कभी फ्यूज देखा हो अपने घरों में, फ्यूज होता है जब कभी इन्वर्टर का, एक बार मैंने दिखाया भी था शायद, फ्यूज होता है हमारे पास ऐसे, उसमें ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हमारे, और यहाँ बीच में एक पतला सा वायर होता है, देखा है? एक पतला सा वायर होता है। जब ये फ्यूज हमारा खराब होता है तो ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और ये पूरा ग्लास ब्लैक ब्लैक हो जाता है आपके पास। सेम मैंने आपको उस दिन बल्ब दिखाया था, बल्ब में फिलामेंट है, जब वो बल्ब की बल्ब फ्यूज होता है हमारे पास में, तो फिलामेंट हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। फिलामेंट क्या होता है आपके पास में, ब्रेक हो जाता है। एक सेकेंड रुको, तो फ्यूज में ये चीज का यूज होता है हमारे पास में, क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हमारे पास में, तो आपके पास में ये जो फ्यूज है ये मेल्ट हो जाता है। क्या होता है? फ्यूज आपके पास में जो है वो मेल्ट हो जाता है हमारे पास। पर सवाल आता है व्हाट इज अ फ्यूज? अरे भाई साहब फ्यूज है क्या? आप फ्यूज बता रहे हो, पहले बताओ तो फ्यूज है क्या? भाई फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? Yes. और कैसा डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई साहब एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या आपके हीटिंग
हीटिंग इफेक्ट पे हमारे पास में जो है ये काम करता है। अब कैसे देखो, कई बार क्या होता है कि जब बहुत जोर से करंट आता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो सप्लाई होता है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जब सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तो डिवाइसेस खराब हो जाते हैं, राइट। किसी के घर में प्रॉपर एमसीबी नहीं है तो क्या होता है, फ्रिज खराब हो गया, या जो आपका वो है कूलर कई बार खराब हो जाता है, उस कारण से मोटर खराब हो जाती है, मोटर जल जाती है। ये इस कारण से होता है कि आपके पास में एक प्रॉपर फ्यूज नहीं है। अब फ्यूज का फायदा क्या होता है, फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि वो इतना तेज सप्लाई जो आपका करंट का है वो वापस से नहीं जाता। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्पेशल मटेरियल के वायर्स होते हैं। किसके वायर्स होते हैं, ये नॉर्मल आयरन एल्यूमिनियम के वायर्स नहीं होते हैं, ये स्पेशल मटेरियल्स के वायर्स होते हैं आपके पास में। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स, मेल्ट क्विकली। अभी हमारे पास में अगर मैं आयरन में इतनी देर में करंट या एल्यूमिनियम में करंट इतना सप्लाई करूं तो क्या वो मेल्ट हो जाएगा, नहीं होता है। पर ये स्पेशल मटेरियल से वायर्स होते हैं आपके पास में जो मेल्ट हो जाते हैं एंड ब्रेक, और फिर टूट जाते हैं। ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ट थ्रू देम, इन्हें कहते हैं एलॉयस, थ्रू देम। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए इन स्पेशल मटेरियल्स का यूज किया जाता है हमारे पास में, जो कि हमारे पास में रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और वो ब्रेक कर जाते हैं। ये स्पेशल मटेरियल क्या होते हैं, ये मोस्टली आपके एलॉयज होते हैं। आपके क्या है, एलॉयज हैं हमारे पास में, जिनमें अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपने प्रॉपर फ्यूज का यूज किया तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने पे फ्यूज आपका उड़ जाएगा हमारे पास, पर हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। घरों में फ्यूज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एमसीबी में। कहाँ होता है, मेन एमसीबी में, वरना किसी घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में भी होता है। जैसे अपने अभी एक बार फ्यूज उड़ा था, इन्वर्टर में चेंज कराया था हमने, देखा था आपने, तो ऐसे ये एमसीबी में होता है। एमसीबी इज व्हाट, एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। नाम ही देख लो इनका क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, दीज आर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर छोटा रूप है सर्किट तोड़ने वालों का हमारे पास में। इनका यूज किया जाता है फ्यूज की जगह, यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। मतलब फ्यूज हम बड़े बड़े डिवाइस, जैसे मैंने बताया इन्वर्टर में आपके पास में, इसमें यूज करते हैं। बिल्डिंग्स में हम एमसीबी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एमसीबी का यूज। जिसका फायदा क्या होता है कि जब करंट सप्लाई आपका नॉर्मल से ज्यादा या सेफ्टी लिमिट से ज्यादा हो गया, जैसे आप जो भी स्विच बोर्ड में आप स्विचेस देखते हो उसमें लिखा होता है 5A, 10A, 15A, वो बताता है तो हम इतना आ सकता है, तो काला काला हो जाता है, राइट। तो सेम चीज है जो एमसीबी है आपके पास में, कि व्हेन, या पूरा अगर बताएं एमसीबी क्या है, तो एमसीबी आर दीज आर स्विचेस व्हिच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ When current in a circuit exceed exceeds the safety limit, जब हमारे पास में करंट एक सर्किट में सेफ्टी लिमिट से ज्यादा चले पास एक्सीड हो जाता है, और इसको हम बंद भी कर सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब आपको कोई काम करना है, जैसे कि जब घर में कहीं भी कुछ है। याद है उस दिन उस रूम में पंखा फिट हो रहा था, योर एमसीबी वाज पुट ऑन, तो एमसीबी को डाउन कर दिया जाता है। इसको हम जो है वो
कई सारे जो आपके पास में जो है वो जब आपके पास कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कोई फायर एक्सीडेंट होता है उसको हम इस फ्यूज की मदद से रोक सकते हैं। क्लियर। अब आता है फ्यूज का, तो भाई इसका सिंबल है, ये दो डॉट तो आएंगे ही आएंगे, स्विच है ना एक तरह का, देखो क्या लिखा है, इट इज अ स्विच, तो स्विच है तो दो डॉट आने ही है, बट स्विच में स्ट्रेट वायर होता है, फ्यूज में टेढ़ा वायर, द वायर इज लाइक अ वेव। समझ में आई बात, वायर कैसा है, एक वेव फॉर्म में होता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है?